हेलो फ्रेंड्स, आज 8th ऑफ सितंबर को सीडीएस का जो एग्जाम हुआ है उसमें आज हम इंग्लिश जो सेक्शन रहता है हमारा, हम उसके जो आंसर किए हैं उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन इसमें जो ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस का आया था, लाइक रीअरेंजमेंट पे इसमें काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, लाइक इसमें एक स्टेटमेंट गिवन है, लाइक ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इन दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ अ सेंटेंस द पार्ट्स ऑफ व्हिच हैव बीन जंबल्ड, मींस एक स्टेटमेंट गिवन है उसको अरेंज करना होता है बच्चे ने। तो लाइक स्टेटमेंट्स में बोल रहा है द कंपनी आर ऑफर्ड ऑफ आस्क ऑफन आस्क्ड द फॉर्मल और इनफॉर्मल इंटरव्यूज एम्प्लॉयज हु आर लिविंग फॉर देयर ओपिनियंस ड्यूरिंग, क्लियर। तो इस सेंटेंस में मेनली जो होता है रीअरेंजमेंट का जो क्वेश्चन रहता है उसमें बच्चे ने ढूंढना होता है मेनली सब्जेक्ट, then verb, then object, clear? So in this particular statement, अगर मैं the company are often asked, doesn't make sense, the formal and informal interviews, doesn't make sense, तो इसमें सबसे पहले बच्चे ने ढूंढना होता है subject, तो इसमें जो right subject है वो है employees who are living, okay? So are statement से ये sentence start होगा, तो इसमें दो ही ऐसे option हैं जो are से start हो रही है, वो है option A and B, C और D eliminate हो जाएगा, ठीक है। अब आपने देखना है कि ए के साथ आगे कौन सा सीक्वेंस बनेगा, ओके। तो ए के साथ अगर हम जोड़ते हैं तो एम्प्लॉयज हु आर लिविंग द कंपनी आर ऑफन आस्क्ड, तो आर के साथ जो अटैचमेंट ए ऑप्शन में है दैट इज पी, बट इन बी ऑप्शन दैट इज आर के बाद जो लग रहा है वो पी सॉरी क्यू, क्लियर। तो इसमें जो आर का लिंक क्यू से नहीं मैच कर रहा है बिकॉज एम्प्लॉयज हु आर लिविंग द फॉर्मल और इनफॉर्मल इंटरव्यूज डजंट मेक सेंस, तो द राइट आंसर वुड बी ए। So first question का जो right answer बनेगा that would be A. Statement number second बोल रहा है a hailstorm activity in the evenings there is a possibility of while there could be heavy rain towards the weekend, clear? So in this particular statement a hailstorm activity in the evenings is not the right subject. So the right subject is there is a possibility of, okay? जो statement start हो रही है हमारे Q से, और अगर हम options को check करें तो उसमें A और D option eliminate हो जाएंगे, two options आ गए that is B and C starting with Q, okay? So, अब Q के बाद हमने देखना है कि उसके साथ S का लिंक जो बनेगा सही या R का बनेगा, क्लियर। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हैवी रेन, ओके। तो ये हैवी रेन टुवर्ड्स द वीकेंड ये हमने बनाया ऑप्शन बी। अगर मैं इसके साथ A को अटैच करता हूं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ Q, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ S Q, ये तो गलत बन जाएगा। तो इसका आंसर बनेगा सेकंड स्टेटमेंट का बी। राइट सेंटेंस कैसे बनेगा, राइट सेंटेंस वुड बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हैवी रेन टुवर्ड्स द वीकेंड व्हाइल देयर कुड बी अ हेलस्टॉर्म एक्टिविटी इन द इवनिंग्स, दिस वुड बी द राइट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर हम थर्ड पे जाते हैं तो वहां पे डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैज से स्टार्ट हो रहा सेंटेंस, तो पी ऑप्शन तो कभी भी स्टार्ट नहीं हो सकती है, मींस डी ऑप्शन डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाएगी, ओके। आगे बोल रहे द मिनिमम टेंपरेचर इन सम पार्ट्स ऑफ द सिटी व्हेन रेन एंड हेलस्टॉर्म एक्टिविटी रिकॉर्डेड, क्लियर। सो द एक इसमें जो राइट जो ट्रू सब्जेक्ट है दैट इज द मिनिमम टेंपरेचर, ओके, और वो है हमारा क्यू, और क्यू से अगर आप देखोगे तो ए ही ऑप्शन स्टार्ट हो रही है दैट इज सी, ओके। बट फिर भी अगर आप इसको अटैच करना चाहते हैं तो आप इसको बोल सकते हो द मिनिमम टेंपरेचर, उसके बाद बी हैज बीन बिलो नॉर्मल सिंस लास्ट वीक, एस व्हेन रेन एंड हेलस्टॉर्म एक्टिविटी रिकॉर्डेड इन सम पार्ट ऑफ द सिटी, क्लियर। सो दीज आर द थ्री क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ फॉर गेस्ट टीचर्स इन द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वॉज ऑल्सो हेल्ड अ सिलेक्शन कमिटी मीटिंग, क्लियर। तो अगेन यहाँ पे फॉर गेस्ट टीचर्स इज नॉट द ट्रू सब्जेक्ट, इन द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज नॉट द राइट सब्जेक्ट, फिर आगे वॉज ऑल्सो हैड, इससे सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता है। सो द राइट सब्जेक्ट इज हियर दैट इज अ सिलेक्शन कमिटी मीटिंग, और वो वाली हमारी ऑप्शन है ए की दैट इज एस, ठीक है। तो आंसर इज क्लियर ओवर हियर दैट इज ए, एलिमिनेशन मेथड आपको हमेशा लगाना चाहिए कि कौन सी स्टेटमेंट से सेंटेंस स्टार्ट होगा, ट्रू सब्जेक्ट कहाँ पे है। अब इस सेंटेंस में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जो एस से शुरू हो रही है दैट इज ए, बी ऑप्शन क्यू से स्टार्ट हो रही है जो कि स्टार्ट नहीं हो सकता, सी और डी बिल्कुल ही गलत जा रहे हैं, ट्रैक से बाहर है, ठीक है। तो आंसर वुड बी ए, सो द राइट आंसर बनेगा इसका अ सिलेक्शन कमिटी मीटिंग then P for guest teachers R was also held in the department of biotechnology, clear? So this would be the right statement. Statement number 5th अगर हम देखते हैं तो वो रहे statement बोल रहे for contractual assignment at cultural center go centers go abroad
As teacher of Indian culture for 2 years, applications are invited in a prescribed format from Indian nationals for deployment. Clear? So this is the sentence. So इस statement को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो right subject है हमारा वो है statement number means R वाले part में. Clear? So applications are invited in a prescribed format. After them आएगा S from Indian nationals for deployment. Then Q as teacher of Indian culture for 2 years. Then P for contractual assignment at cultural centers abroad. Clear? So the right answer is iska banega fifth statement ka D. That would be D. Okay. Or statement number 6. Statement number 6 would have while they are small and do the great things, while they are easy, do the difficult things. So is statement ka jo right pehle jo statement yahan pe matlab sentence ka part sahi subject banega, that would be D. Okay, do the difficult things. Then R, while they are easy. Then Q, and do the great things while they are small. So the right answer would be A. Okay, so A yahan pe right banega answer, S, R, Q, B. वैसे तो option C भी S, R से start हो रही है, but वो आगे जाके P, Q करा हुआ है, तो इसलिए वो option eliminate हो जाएगी. B और D बिल्कुल ही wrong options है, eliminate हो जाएंगे. अब हम next questions की तरफ बढ़ते हैं. See the next question. Question number 7. Statement is, then you are sure if you can't, don't deserve me at my best, handle me at my worst. Okay, this is the statement. So the right sentence would be clause ki statement hai, if se start hoga, theek hai. So mujhe hint mil gaya ki option Q se statement start hogi. Aur char options agar hum dekhte hain to wahan pe ek hi aisi statement hai jo Q se start ho rahi, that is option B. Okay, so B would be the right answer. Eliminate ho jayengi other options. If you can't handle me at my worst, P, then you sure don't deserve me at my best. This would be the right answer. Clear? So if clause se start hoga sentence, baki then se start nahi ho sakta, don't se start nahi ho sakta, handle se to ho hi nahi sakta. Clear? To yahan pe sentence banega hamara, jo right answer would be, that would be B. Clear? Statement number, further badhte hain, statement number 8 dekhenge. You will be more disappointed than by the ones you did do, by the things you didn't do 20 years from now. Clear? So from 20 years from now, that would be the true subject, aur wo statement hai hamari D. एक ही ऐसी ऑप्शन है जो एस से शुरू हो रही है, दैट इज डी. ओके, सो डी इसका राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 8 का. क्लियर? तो स्टेटमेंट सही क्या बनेगी, फ्रॉम 20 इयर्स नाउ, फ्रॉम 20 इयर्स फ्रॉम नाउ, देन पी यू विल बी मोर डिसअपॉइंटेड आर बाय द थिंग्स यू डिडंट डू देन बाय द वंस यू डिड डू. क्लियर? सो द राइट स्टेटमेंट वुड बी डी. ट्रू सब्जेक्ट इज हियर 20 इयर्स फ्रॉम नाउ, मींस अब से 20 साल बाद, उसको ऐसे बोलना चाह रहा है. तो इसमें सही सब्जेक्ट आपका बनेगा डी. ओके, मतलब डी वुड बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 9th, और अ मैन इज वन हु कैन ले अ फर्म फाउंडेशन विद द ब्रिक्स अ सक्सेसफुल अदर्स हैव थ्रोन एट हिम. क्लियर? सो द राइट आंसर वुड बी सी. सी कैसे हुआ, आप देख सकते हो सी जो स्टेटमेंट है वो सी ऑप्शन स्टार्ट हो रही है हमारी आर से. ओके, सो मींस एक इंडिविजुअल की बात की जा रही है, तो उसमें असक्सेसफुल, देन पी मैन इज वन हु कैन ले अ फर्म फाउंडेशन विद द ब्रिक्स, देन एस अदर्स हैव थ्रोन एट हिम. क्लियर? तो दिस वुड बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 9th का जो सही सेंटेंस बनेगा, दैट वुड बी सी, दैट इज आर पी क्यू एस. ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. Question number 10th. 10th question is what? What we may be, but we know not. We know, but we are. थोड़ा statements इसमें CDS के exam में जो थोड़ी आई थी, कुछ questions ऐसे हैं जिस जो थोड़े आगे जाके मतलब उसको complicate बनाने की कोशिश की गई है. ठीक है, but through subject हम इस चीज को catch कर सकते हैं. Okay, तो इसमें sentence जो subject है 10th statement में वो बनेगा हमारा R. आर से ये सेंटेंस शुरू होगा. ओके, वी नो व्हाट वी आर, आर एस वी नो व्हाट वी आर, क्यू बट वी नो नॉट व्हाट वी मे बी. सो द राइट आंसर वुड बी ए. ओके, 10th का राइट आंसर ए बनेगा. स्टेटमेंट नंबर 11th,
For the ordinary, not willing to risk the unusual. If you are, you will have to settle. Okay, this is the sentence. For the ordinary, not willing to risk the unusual. If you are, you will have to settle. अभी थोड़ा पीछे भी हमने एक question किया जिसमें if subject बना था अभी, ठीक है? तो यहाँ पे जो है, right some subject है हमारा if you are. So if you are से अगर आप options check करोगे तो A option eliminate हो जाएगी, B option eliminate हो जाएगी, D option eliminate हो जाएगी, एक ही ऐसी option बच रही है जो है हमारे पास जो R से शुरू हो रही है, that is C. Okay? So if you are not willing to risk the unusual, S, you will have to settle for the ordinary. So the right answer would be C. 11th का right answer बनेगा C. Okay? Statement number 12th. As mere stepping stones, his major achievements for the next advance he regarded. Okay, so the right answer would be B. Okay, he regarded. As say sentence start hoga, he regarded his major achievements P as mere stepping stones for the next advance. So B would be the right answer. 12th ka B banega. Okay, statement number 12th ka right answer banega B. Statement number 13 ki taraf hum move karte hain. Sentence bora, have a great influence and they often shape our personality on our adult lives, events in our childhood. Okay, to have a great influence and they often shape our personality on our adult lives, events in our childhood. So 13 statement ka right answer banega. Agar hum is sentence ko start karna chahenge to hume karna padega right from beginning se, childhood se. Okay, to events in our childhood, that would be the true subject. Events in our childhood, then P aega, have a great influence, then R aega, on our adult lives and they often shape our personality. So the right answer would be A. Okay, so 13th question done ho gaya. Next, hum thoda badhte hain next question ki taraf. Question number 14th. Question number 14 goes spotting errors. Each item in this section has a sentence which has multiple parts. Okay, find out the error, no error, and indicate your response from the options A, B, C, and D on the answer sheet. Okay, ek statement given hai, usko parts mein break kiya hua, A, B, C, then D. And you people have to, students ne yahan pe us part ko dhoondna hai. No error wale questions bhi fir further aage inhone diye hue hain. Like first 14 question mein koi aisa part nahi jisme matlab no error option hamare paas nahi hai. To isme means error ho gayi hoga sentence mein. 15th mein bhi waise hi hai, lekin 16th question agar hum dekhte hain to wahan pe फिर no error वाला option भी given है. तो first statement बोल रहा है 14th, experience has shown that the change over from a closed economy to a mercantile economy has presented in human society innumerable problems. Okay, तो सारी statement देखा जाए तो present perfect tense में statement going on है. Experience has shown that the change over from a closed, from is origin और आगे जाके from का जो pair होता है वो होता है to. From a closed economy to a mercantile economy. So from के साथ pair वहाँ पे conjunction to बिल्कुल सही लगाया जा रहा है. From origin होता है, to destination होता है. Okay, has presented in human society innumerable problems. Okay, so the 14th statement का जो right answer बनेगा that is D. Mental ability का question है. Okay, वैसे tense का इसमें कोई problem नहीं है. From और to का जो pair है वो भी बिल्कुल सही जा रहा है. But यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो last में to a mercantile economy has presented के बाद innumerable problems पहले आएगा और inhuman society बाद में आएगा. Interchanging का problem है sentence में, adjective chapter के अंदर ये concept चलता है, clear? तो sentence सही बनेगा. Experience has shown that the change over from a closed economy to a mercantile economy has presented innumerable problems in human society. So interchanging का problem था, so error बनेगा इसका D part में. Statement number 15 पे आगे move करेंगे. A closed economy is identified as a human community which produces all it consumes and consumed all it produces. Okay, तो अगर आप इस sentence को थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो sentence start हो रहा है पूरा A option. A closed economy is identified as a human community which produces. अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे produces लग रहा है, that is present, means present tense में बात की जा रही है. Produces all it consumes, consumes, produces and consumes both are in present indefinite. Okay, but D option में फिर हम देखते हैं वहाँ पे इसने एक जगह present use किया है, but earlier इसने यहाँ पे past use कर लिया जिसकी error है, ठीक है? So 15 का D part गलत होगा. Instead of consumed it should be consumes.
तो ये सही बनेगा यहाँ पे, कंज्यूम्स आएगा यहाँ पे, क्लियर। सो 16 स्टेटमेंट, आयरन इज द मोस्ट यूजफुल अगेंस्ट ऑल मेटल्स, एडजेक्टिव चैप्टर का प्रॉब्लम है ये, ओके। आयरन इज द मोस्ट यूजफुल अगेंस्ट ऑल अदर, ऑल के बाद यहाँ पे हमें अदर पुट करना पड़ेगा, ओके, एरर इज इन सी पार्ट, ओके, आफ्टर ऑल वी हैव टू पुट हियर अदर ऑल्सो, ओके, सो यहाँ पे अदर भी लगेगा, सो एरर सी पार्ट में बनेगा। डिग्री यहाँ पे सही लगाई जा रही है, आयरन इज द मोस्ट यूजफुल, मच मोर मोस्ट, डिग्री का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आफ्टर ऑल यहाँ पे कंपैरिजन सेंस में अदर को पुट करना पड़ेगा, क्लियर। स्टेटमेंट नंबर 17, सिंपल सी बात है, फिर से एडजेक्टिव का प्रॉब्लम है, मुंबई इज लार्जेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, डिग्री लगाना चाह रहा है सुपरलेटिव, बट सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द को यहाँ पे लगाया नहीं जा रहा, क्लियर। सो एरर बनेगी बी पार्ट में, ठीक है, बिफोर लार्जेस्ट यहाँ पे आर्टिकल द का यूज होगा, ओके, लार्जेस्ट से पहले यहाँ पे आर्टिकल द आएगा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम हमेशा आर्टिकल द लगाते हैं, लाइक राम इज द बेस्ट बॉय, लाइक द वाइजेस्ट, द शॉर्टेस्ट, द क्विकेस्ट, लाइक दिस, क्लियर। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं, स्टेटमेंट नंबर 18 इज व्हाट, व्हाइल एवरी केयर हैव बीन टेकन इन प्रिपेयरिंग द रिजल्ट्स, द कंपनी रिजर्व्स द राइट टू करेक्ट एनी इनएडवर्टेंट एरर्स एट अ लेटर स्टेज, ओके, ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, नो वन, these are the indefinite pronouns, clear, so indefinite pronouns always take singular helping verb with them, okay, so error is in a part, instead of have it should be has, have yahan pe wrong hai, yahan pe aana chahiye has, okay, so indefinite pronouns each, every, ye singular hote hain, singular hi verb lete hain aur singular hi apne sath helping verb lete hain, clear, to yahan pe instead of have it should be has been, every care has been taken in preparing the results, the company reserves the right to correct any inadvertent errors at a later stage, okay, statement number 19th, pronoun chapter ka problem hai, my sister and me yahan pe wrong hai, yahan pe aana chahiye instead of me it should be I, my sister and I are planning a trip from Jaipur to Delhi, क्लियर। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं फ्रॉम के साथ टू बिल्कुल सही लगाया जा रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे मी रॉन्ग है, सो आंसर वुड बी ए, इंस्टेड ऑफ मी इट शुड बी आई, क्लियर। स्टेटमेंट नंबर 20, डिस्पाइट द थ्रिल ऑफ विनिंग द लॉटरी लास्ट वीक माय नेबर स्टिल सीम्स हैप्पी, ओके, सो स्टिल सीम्स हैप्पी मीन्स माई नेबर की बात कर रहा है, तो सिंगुलर की बात हो रही है, तो सीम्स आगे जाके सही लगा रहा है, ठीक है, डिस्पाइट के साथ प्रपोजिशन नहीं आ रही है, तो कहाँ पे प्रॉब्लम होगा, फिर लास्ट वीक की बात कर रहा है, टॉकिंग अबाउट पास्ट, ओके, बट यहाँ पे डिस्पाइट जो रॉन्ग लगाया जा रहा है, इंस्टेड ऑफ डिस्पाइट इट शुड बी इन स्पाइट ऑफ, क्योंकि जो डिस्पाइट वर्ड होता है नो डाउट उसमें प्रेपरेशन ऑफ तो नहीं आती है, बट उसमें कंडीशंस नेगेटिव होती है, लेकिन यहाँ पे तो बोल रहे हैं डिस्पाइट द थ्रिल ऑफ विनिंग द लॉटरी लास्ट वीक, मीन्स ये पॉजिटिव सेंस है, यहाँ पे नेगेटिव सेंस नहीं है, सो इंस्टेड ऑफ डिस्पाइट यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा इंस्पाइट ऑफ, क्योंकि इंस्पाइट ऑफ में कंडीशंस पॉजिटिव होती है, ओके। स्टेटमेंट नंबर 21 की तरह मूव करते हैं, बोल रहे हैं चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड टू यूज द स्विमिंग पूल अनलेस दे आर बीइंग विद एन अडल्ट, क्लियर। सो अंटिल और अनलेस दो वर्ड्स होते हैं कंजंक्शन चैप्टर में, जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक अंटिल वर्ड होता है, एक अनलेस वर्ड होता है, अनलेस जो होता है वो कंडीशन को बताता है और अंटिल जो होता है वो टाइम को बताता है। सो चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड टू यूज द स्विमिंग पूल अंटिल दे आर विद एन अडल्ट, ओके। तो यहाँ पे अगर हम देख सकते हो कि चिल्ड्रन को जो है बच्चों को स्विमिंग करना पूल पे अलाउड नहीं है, ओके, जब तक कि वो उनके साथ कोई ना कोई बड़ा आदमी means कोई adult उनके साथ ना हो। तो यहाँ पे आपने देखना है कि condition है या time है, तो statement में condition का ही काम किया जा रहा है, तो यहाँ पे बनेगा no error unless it is absolutely correct over here, इसको सही use किया जा रहा है। statement number 22, subject verb agreement, her knowledge of Indian languages are far beyond the common, okay, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं mostly students, अगर आपको ये लग रहा है कि languages के according R आगे से ही लग रहा है, तो आप गलत हो, क्योंकि इसमें जो subject है that is the true subject is her knowledge over here, और her knowledge यहाँ पे singular है, तो उसके according आगे R जाके wrong है, वो वहाँ पे लगना चाहिए is, clear, instead of R it should be is। स्टेटमेंट नंबर 23, द केयर एज वेल एज द लव ऑफ अ फादर, ओके, अगेन 22, 23 बोथ आर रिलेटेड टू सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट चैप्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब कभी टू सब्जेक्ट्स को, कभी भी टू सब्जेक्ट्स को ये कुछ वर्ड्स होते हैं, मैं बोल के लिख देता हूँ, लाइक विद, लाइक टुगेदर विद, लाइक अलॉन्ग विद, like as well as,
ओके लाइक ये कुछ वर्ड्स होते हैं, विद हो गया, टुगेदर विद हो गया, अलोंग विद हो गया, एज वेल एज हो गया। ये वर्ड्स जब दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं तो वहां पे जो वर्ब यूज की जाती है वो पहला जो फर्स्ट सब्जेक्ट जो होता है उसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब को लगाना होता है। क्लियर? तो फर्स्ट सब्जेक्ट इस सेंटेंस में जो है वो द केयर है और वहां पे द केयर के अकॉर्डिंग आगे जाके वर्ब रॉन्ग है, इंस्टेड ऑफ वर्ड शुड बी वाज। ओके, सो 23rd का राइट आंसर बनेगा सी, वर्ब की जगह पे यहाँ पे वॉज आना चाहिए। क्लियर? इंस्टेड ऑफ वर्ड इट शुड बी वॉज। स्टेटमेंट नंबर नेक्स्ट 24th की तरह मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24th, बोला यू लुक एज इफ यू हैव रन ऑल द वे होम। तो ये स्टेटमेंट क्लॉज किया है, अगेन इंटरचेंज कर रहा है क्लॉज को, इफ मिड में जाके कनेक्टर के तौर पे आ रहा है। यू लुक एज इफ यू हैव रन ऑल द वे होम। ओके, ऐसा लगता है कि तुम घर की तरफ जैसे भागे, दूर भागे। क्लियर? सो इफ यू हैव रन ऑल द वे, पहली बात तो यहाँ पे हैज और हैव जब हम लगाते हैं तो उसके साथ कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आती, क्योंकि रन की जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है रन रैन रन होता है। क्लियर? तो यहाँ पे पहली बात तो हैव के साथ रैन रॉन्ग है यहाँ पे, तो आंसर बनेगा हमारा बी। सो बी वुड बी द राइट आंसर, 24th का बी आएगा। इंस्टेड ऑफ यहाँ पे रैन इट शुड बी रन। ओके, अगर हम यहाँ पे क्लॉज का कंडीशन भी है, श्योरिटी है नहीं सेंटेंस में, तो यहाँ पे इफ एज इफ कंडीशन होती है, एज इफ और इफ कंडीशन होते हैं, तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ हैव की जगह हम हैड भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? क्योंकि कंडीशन में कभी भी प्रेजेंट टेंस नहीं लगता, वहां पे हम हमेशा पास्ट टेंस लगाते हैं इमेजिनेशन में, तो इंस्टेड ऑफ हैव इट शुड बी हैड। क्लियर? सो बी पार्ट में आइदर यू कैन यूज योर रन, यू हैव रन, और यू कैन यूज योर हैड। बट अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हैव के साथ आप रन ही यूज करना मच बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो पहली क्लॉज है वो प्रेजेंट टेंस में चल रही है। क्लियर? तो यहाँ पे रन कर दीजिए। स्टेटमेंट नंबर 25, द रियल वॉयज ऑफ डिस्कवरी कंसिस्ट नॉट इन सीकिंग न्यू लैंडस्केप्स बट इन हैविंग न्यू आईज। क्लियर? सो द रियल वॉयज ऑफ डिस्कवरी सिंगुलर सब्जेक्ट है, कंसिस्ट द रियल वॉयज ऑफ डिस्कवरी कंसिस्ट। ओके, जब द रियल वॉयज ऑफ डिस्कवरी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे फिर कंसिस्ट की कैसे आएगा, यहाँ पे आना चाहिए कंसिस्ट होना चाहिए, यहाँ पे एस लगना चाहिए। क्लियर? बिकॉज द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सो इंस्टेड ऑफ कंसिस्ट इट शुड बी कंसिस्ट, नॉट इन सीकिंग न्यू लैंडस्केप्स बट इन हैविंग न्यू आईज। क्लियर? स्टेटमेंट नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। बोला नो स्ट्रगल कैन एवर सक्सीडेड विदाउट वुमेन पार्टिसिपेटिंग साइड बाई साइड विद मेन। तो इंस्टेड ऑफ सक्सीडेड इट शुड बी, अगर यहाँ पे ऐसे होता नो स्ट्रगल कैन एवर बी सक्सीडेड, तो ये पैसिव वॉइस होती तो फिर इसमें हमें यहाँ पे सक्सीडेड लगाना चाहिए था, बट यहाँ पे एवर सक्सीडेड रॉन्ग होगा, यहाँ पे हमें लगाना चाहिए सक्सीड। ठीक है, यहाँ पे सक्सीड आएगा, नो स्ट्रगल कैन एवर सक्सीड विदाउट वुमेन विद पार्टिसिपेटिंग साइड बाय साइड विद मेन। स्टेटमेंट नंबर 27, एजुकेशन इज द पासपोर्ट टू द फ्यूचर, फॉर टुमारो बिलोंग टू दोज हु prepare for it today. तो reading skills को आपको बढ़ाना पड़ेगा, punctuation का use किया जा रहा है, comma का यहाँ पे, तो इस punctuation से हमें यहाँ पे थोड़ा pause करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। क्या? Because बोला education is the passport to the future. For tomorrow belong to. तो ये यहाँ पे subject का काम कर रहा है, तो tomorrow यहाँ पे subject का काम कर रहा है, तो यहाँ belong to गलत है, यहाँ पे लगना चाहिए belongs to. क्योंकि टुमारो सिंगुलर है तो उसकी सेंस में वहां पे बिलोंग्स हो जाएगा। क्लियर? एजुकेशन इज द पासपोर्ट टू द फ्यूचर, फॉर टुमारो बिलोंग्स टू दोज हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे। क्लियर? सो स्टेटमेंट नंबर 28, देयर कम अ टाइम, रॉन्ग स्टेटमेंट गोइंग ऑन है, स्टार्टिंग में ही इसमें प्रॉब्लम है। देयर कम अ टाइम व्हेन यू हैव टू चूज बिटवीन टर्निंग द पेज एंड क्लोजिंग द बुक। सो देयर कम अ टाइम कभी नहीं होता, इट शुड बी देयर कम्स अ टाइम। तो स्टेटमेंट नंबर 28 में इंस्टेड ऑफ कम इट शुड बी कम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बड़े स्पेलिंग चेक के क्वेश्चंस पूछे गए थे। बोला इन दिस सेक्शन अ वर्ड इज स्पेल्ड इन फोर डिफरेंट वेज, यू आर टू आइडेंटिफाई द वन व्हिच इज करेक्ट, चूज द अल्टरनेटिव बियरिंग द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम ए बी सी एंड डी। स्टूडेंट्स के सामने फोर स्पेलिंग्स है, तो हमने यहाँ पे राइट स्पेलिंग ढूंढनी है, तो अकोमोडेट की जो राइट स्पेलिंग है दैट वुड बी ए ए डबल सी ओ डबल एम ओ डी ए टी
ओके सो अकोमोडेट की राइट स्पेलिंग ए बनेगी यहाँ पे, रिकमेंड की स्पेलिंग सिंपल स्पेलिंग्स पूछी गई है, 29 से 35 वाले क्वेश्चन सारे ही इजी थे, ओके सो 30 क्वेश्चन रिकमेंड की स्पेलिंग आर ई सी ओ डबल एम ई एन डी, सो द राइट आंसर वुड बी सी, ओके क्वेश्चन नंबर 31 आर्गुमेंट, वैसे ऑप्शन इसमें बच्चों को स्टूडेंट्स को बी और सी ऑप्शन में डाउट रहता है कि ए आर जी यू होता है या ए आर जी यू ई होता है, बट आर्गुमेंट की जो राइट स्पेलिंग रहती है दैट इज बी, ओके क्वेश्चन नंबर 32 डिसिसिव, सो 32 क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ए डी ई सी आई एस आई वे ए, ओके क्वेश्चन नंबर 33 एग्रेसिव, एग्रेसिव में हमेशा डबल जी आता है डबल एस आता है, ओके सो द राइट आंसर वुड बी ए, 33 का राइट आंसर बनेगा ए ए डबल जी आर ई डबल एस आई वी ई, क्वेश्चन नंबर 34 इंपॉर्टेंट असैसिनेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असैसिनेशन, असैसिनेशन होता है किलिंग ऑफ पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर इज कॉल्ड असैसिनेशन, जब किसी नेता की हत्या होती है देयर वी यूज दिस पर्टिकुलर वर्ड, क्लियर, सो असैसिनेशन मींस किलिंग ऑफ पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर होता है और असैसिनेशन की स्पेलिंग में भी हमेशा डबल एस टू टाइम्स आता है, क्लियर, सो द राइट स्पेलिंग वुड बी ए ए डबल एस ए डबल एस आई एन ए टी आई वन असैसिनेशन, लाइक इंदिरा गांधी असैसिनेशन बोलते हैं, क्लियर, एम्बेरसमेंट, क्वेश्चन नंबर 35 एम्बेरसमेंट, ओके क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर बनेगा दैट वुड बी डी, इसमें डबल आर आता है और इसमें डबल एस आता है, ई एम बी ए डबल आर ए डबल एस एम ई एन टी, क्लियर, सो 35 क्वेश्चन का एम्बेरसमेंट वही होता है, शर्म महसूस कर लो, ओके सो डी इसका राइट आंसर बनेगा, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ मूव करते हैं, ओके तो idioms phrases, क्लियर, कुछ idioms आए थे वहां पे एग्जाम में, बोला idiom phrases given below are some idioms phrases followed by four alternative meanings to each, choose the response a b c or d which is the most appropriate meaning, ओके 36 dirt cheap, dirt cheap का मीनिंग होता है जो चीज कोई भी ऐसी चीज है जो बहुत सस्ती है, बहुत चीप है, ओके तो इसका राइट आंसर बनेगा, वैसे पर्सन से रिलेटेड नहीं होता, ये बेसिकली चीप से रिलेटेड हम करते हैं, किसी चीज से रिलेटेड, थिंग से रिलेटेड, क्लियर, सो एक्सट्रीमली चीप वुड बी द राइट आंसर ए, सो 36 का राइट आंसर ए बनेगा, डर्ट चीप इज टू एक्सट्रीमली चीप, बहुत ज्यादा जो चीप चीज होती है सस्ती होती है, ओके तो कॉस्टली वाला ऑप्शन हम नहीं लगाएंगे, क्लियर, नेक्स्ट बोला श्रिंकिंग वॉयलेट, अ श्रिंकिंग वॉयलेट होता है जो बंदा बहुत ज्यादा शर्मिला होता है, क्लियर, अ शाय पर्सन, इट्स नॉट लीन वीकनेस से कोई रिलेशन या इस मुहावरे का इस एडियम का, हैप्पी पर्सन हैप्पी सैडनेस से कोई रिलेशन नहीं है, श्रिंकिंग वॉयलेट मीन्स वही होता है जैसे कपड़ा श्रिंक हो जाता है सिकुड़ जाता है उस तरह से उससे उसका रूट बनता है, मीन्स जो बंदा शाय नेचर का होता है, क्लियर, गॉर्डियन नॉट, गॉर्डियन नॉट एक किंग, कोई किंग से रिलेटेड है, एक राजा थे तो उन्होंने एक गांठ बांधी थी, ओके जिसको कि अलेक्जेंडर ने अपनी सॉर्ड से तलवार से तोड़ा था, क्लियर, तो मतलब वो बहुत एक डिफिकल्ट टास्क था और लेकिन अलेक्जेंडर ने उस काम को पूरा किया था, तो गॉर्डियन नॉट भी एक idiom है जो इस रूट से निकला है, सो इसका मीनिंग होता है अनडूएबल जॉब, मींस बहुत मतलब जो काम नहीं हो सकता है उसको कर देना, क्लियर, तो देयर वी यूज दिस पर्टिकुलर idiom, फॉल इन अ हीप, फॉल इन अ हीप होता है जब आप अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं कर पाते हो, ठीक है, तो उस सेंस में हम इसका आंसर बनेगा, द राइट आंसर वुड बी सी, टू लूज कंट्रोल ऑफ वन्स ओन फीलिंग्स, क्लियर, स्टेटमेंट नंबर 40 हैव अ कनेक्शन फिट, हैव अ कनेक्शन फिट, ओके सो टू बी वेरी एंग्री पर्सन, लाइक ऊपर जो हमने किया डर्ट चीप उसका एक्सट्रीमली चीप जाएगा, लाइक 40th का हैव अ कनेक्शन फिट, इसका मीनिंग होता है जो बंदा बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है, टू बी वेरी एंग्री, क्लियर, क्वेश्चन नंबर 41 बी इन सेवंथ हेवन, बी इन सेवंथ हेवन होता है लाइक ये भी एक माना जाता है कि जो गॉड होते हैं वो मीन सेवंथ हेवन में रहते हैं, ठीक है, हमेशा हैप्पीनेस में रहते हैं, क्लियर, टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, व्हाट बी द राइट आंसर, सो 36 टू 41 इंपॉर्टेंट हमने idioms डिस्कस कर लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 दैट इज हैंड इन ग्लव, ओके सो हैंड इन ग्लव बेसिकली ये बिजनेस टर्म में यूज किया जाता है idiom, क्लियर, दैट वी शुड हैंड इन ग्लव इफ वी वॉन्ट ग्रोथ इन आर बिजनेस, क्लियर, लाइक वी शुड वर्क वर्किंग टूगेदर, हमें इकट्ठे वर्क करना चाहिए, ओके सो द राइट आंसर वुड बी बी वर्किंग टूगेदर, क्लियर, क्वेश्चन नंबर निप्ड इन द बड, निप्ड इन द बड बेसिकली होता है किसी बुराई को स्टार्ट होने से पहले ही दबा देना, टू डिस्ट्रॉय अ थिंग एट द वेरी बिगिनिंग, क्लियर, लाइक इफ आई से ऑल क्रिमिनल्स एटीट्यूड मस्ट बी निप्ड इन द बड, ओके सो यहाँ पे दो ऑप्शन में थोड़ा क्लोज है, यहाँ पे दो ऑप्शन ए एंड बी, फर्स्ट बोल रहा है प्रिवेंट अ स्मॉल प्रॉब्लम बिफोर इट बिकम सेवियर, ओके बी बोल रहा है प्रिवेंट द बिग प्रॉब्लम, क्लियर, सो द राइट आंसर वुड बी ए,
कि किसी प्रॉब्लम को पहले ही खत्म कर देना सो दैट वो आगे जाके ज्यादा सीवियर ना बन सके. सो द क्लोज आंसर यहाँ पे ए बनेगा. लाइक अ शैग ऑन अ रॉक, ये शैग एक बर्ड है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, क्लियर. और ये चट्टान के ऊपर बैठ के ना चर्पिंग करता है, क्लियर. तो शैग एक ये वहां से रूप निकला है, तो शैग इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट वुड बी कम्प्लीटली अलोन, अकेला ये पक्षी जब होता है तभी चर्पिंग करता है, क्लियर. सो द राइट आंसर वुड बी ए. ओके, अ पर्ल ऑफ विजडम, अ पर्ल ऑफ विजडम, विजडम इज व्हाट, बुद्धि, ज्ञान. ओके, मींस जो बंदा आपको कोई इंपॉर्टेंट, कोई समझदार व्यक्ति आपको कोई एडवाइस दे रहा है, एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस वुड बी द राइट आंसर, क्लियर. सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्लोज कॉम्प्रिहेंशन मींस वही क्लोज टेस्ट रैपिड फिलर्स का क्वेश्चन आया था, जिसमें दो पैराग्राफ्स गिवन है, आगे जाके ईच ऑफ द फॉलोइंग पैसेज इन दिस सेक्शन हैज सम ब्लैंक स्पेसेस विद फोर वर्ड्स और ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स गिवन, सेलेक्ट व्हिचएवर वर्ड और गिव अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यू कंसीडर मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर द ब्लैंक स्पेस एंड इंडिकेट योर रिस्पॉन्स ऑन द आंसर शीट अकॉर्डिंगली, क्लियर. मींस वही एक स्टेटमेंट है, वही एक पैसेज गोइंग ऑन है, उसको सेंटेंस में ब्रेक कर दिया, क्लियर. तो राइट आंसर हमने यहाँ पे लगाना पड़ेगा द फाउंडर्स ऑफ द इंडियन रिपब्लिक. तो द फाउंडर्स ऑफ द इंडियन रिपब्लिक ब्लैंक द फार साइटेडनेस एंड द करेज. ओके, तो यहाँ पे ये बात कर रहा है, अगर हम यहाँ से थोड़ा देखें तो थोड़ा यहाँ पे हमें सेंस लगानी पड़ेगी कि किस टेंस में बात की जा रही है. तो ये बताना चाह रहा है पहले की बात, क्लियर. द फाउंडर्स ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, क्लियर. तो यहाँ पे हैड वुड बी द राइट आंसर, पास्ट में स्टेटमेंट गोइंग ऑन है, ठीक है. Had the, मतलब उनके पास ये फार साइटेडनेस थी एंड द करेज, और ये साहस था टू कमिट themselves, कि वो खुद को क्या कर देते थे, कमिट कर देते थे टू टू मेजर innovations ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इन, फर्दर हम बढ़ते हैं, नेशन बिल्डिंग एंड सोशल इंजीनियरिंग फर्स्ट टू. अब टू के बाद यहाँ पे अगर हम ऑप्शन को एलिमिनेट करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, टू के बाद कभी जीरण नहीं आएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है. टू के बाद यहाँ पे भी जीरण लगा रहा है, एलिमिनेट हो जाएगा, बी वन प्लस आई नहीं आएगा. टू के बाद डायरेक्ट थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती, एलिमिनेट हो जाएगा. टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है. सो ए वुड बी द राइट आंसर, बिल्ड आएगा यहाँ पे, क्लियर. सो बिल्ड वुड बी द राइट आंसर. डेमोक्रेटिक एंड सिविल, 49th में आएगा सिविल लिबर्टियन. ओके, सोसाइटी अमंग लिटरेट पीपल, सिविल लिबर्टियन वही होता है, सिविल लिबर्टियन मींस मींस जो एजुकेटेड है, जिसमें मींस सोसाइटी अमंग इलिटरेट, मतलब उनको एजुकेशन देना, एजुकेटेड सोसाइटी वी कैन से, क्लियर. अमंग लिटरेट पीपल एंड सेकंड टू अंडरटेक इकोनॉमिक डेवलपमेंट. स्टेटमेंट नंबर 50 में जाएगा विद इन अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर. सो द राइट आंसर ऑफ इसका आंसर 49 का ए करेंगे, लिबर्टियन सोसाइटी. और नेक्स्ट 50 का आंसर बनेगा विद इन अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हिथेरेटो. हिथेरेटो मींस होता है अंटिल टुडे, क्लियर. इन ऑल सोसाइटीज इन विच एन इकोनॉमिक टेक ऑफ और एन अर्ली इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल. सो 51 का जो राइट आंसर जाएगा दैट इज ब्रेक थ्रू. ओके, ब्रेक थ्रू जो वर्ड होता है इसके दो मीनिंग होते हैं. एक तो हम इन्वेस्टिगेशन सेंस में यूज करते हैं कि पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो उनको ब्रेक थ्रू मिल गया, मीन सुराग मिल जाना, कुछ क्लू मिल जाना. लेकिन इकोनॉमिकल लैंग्वेज में जो ब्रेक थ्रू वर्ड का मीनिंग होता है वो डेवलपमेंट भी होता है, क्लियर. सो ब्रेक थ्रू ऑल्सो मीन्स डेवलपमेंट. हैड अकर्ड इफेक्टिव डेमोक्रेसी स्पेशली फ्रॉम द वर्किंग पीपल हैड बीन एक्सट्रीमली लिमिटेड. ऑन द अदर हैंड स्टेटमेंट नंबर 52 का आंसर जाएगा बी, इट शुड बी फ्रॉम द बिगनिंग. क्योंकि विद द बिगनिंग डजंट मेक सेंस, फॉर द बिगनिंग डजंट मेक सेंस, विद इन द बिगनिंग तो हो ही नहीं सकता, क्लियर. सो फ्रॉम द बिगनिंग इंडिया वॉज कमिटेड टू अ डेमोक्रेटिक एंड लिबर्टियन. अब देखा जाए तो हम यहाँ पे भी देख रहे हैं, देखो सिविल लिबर्टियन, और देखो यहाँ पे भी लिखा था ऊपर सिविल लिबर्टियन, क्लियर. तो कुछ ऐसे क्लूज होते हैं जो इस पैसेज में ही चीजें गिवन होती हैं, तो यहाँ से भी हमें क्लियर हो रहा है कि उसका आंसर हमारा करेक्ट है, क्लियर. तो अगर फर्दर हम स्टेटमेंट 53rd का आंसर हमने कर लिया, 53rd का राइट आंसर बनेगा सी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर आगे बोल रहा है एंड अ रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट 54. ओके, 54 में वहां पे भी हम देखते हैं ऑफ गवर्नमेंट बेसिंग डजंट मेक सेंस, इनकरेक्ट है. Basis of doesn't make sense. Okay, if talking about past, so C would be the right answer. Based आएगा यहाँ पे, based on free, fair elections to be conducted on the basis of universal adult franchise. Clear? तो comprehension passes second. Statement number, मतलब option वहाँ 55 से हम आगे carry forward करते हैं. Okay, बोला ecology in a very simple term is a science. Ecology, biology, same thing is a science that 55 studies.
that studies, because talking about ecology, that is singular. Okay, so whether the when the subject would be singular, so we have to use there as yes. So studies are the interdependent, mutually reactive and interconnected relationships. So 56 ka answer banega between the organism and then 57 mein and their physical environment, means ye the organism and the and physical environment, ye do cheeje hai. So hume pata hai ki when we talk about two persons or things, so we have to use their between. Clear? Upar wale mein 55 ka answer banega studies, okay, 56 ka answer banega between. Next aage badhte hain, their physical environment on the one hand and among the organism on the other hand. Okay, to uske baad next mein bol raha hai, because the term ecology was, so 58 में जो right answer यहाँ पे बनेगा that would be D, because दो हम यहाँ पे तब लगाते हैं, दो हम तब लगा सकते थे अगर कि दो क्या करता है, because दो जो connector है वो contradiction करता है, okay, फिर दो के साथ positive है, फिर आगे जाके negation होना चाहिए, तो वो मैंने इसमें further आगे जब हम देखते हैं तो नहीं है, ठीक है, because the term ecology was first coined and used by the German biologist Ernest Haeckel in 1869, a few conceptual terms have, so the right answer of 59, that would be D. Okay, ab hum further aage dekhte hain, already proposed, kyunki agar main wahan pe piche have been use karta hu to wahan pe have already been hona chahiye tha, to jo ki galat ban raha hai, clear? So the right answer of this particular question would be D. Okay, means have wahan pe aayega, have already proposed to reveal relationships among organisms, sorry, instead of यहाँ पे फिर से वही बात आ गया, यहाँ पे इकट्ठा ही दे दिया जो पीछे उसने दिया था, organism and their environment, और एक ऐसी option थी पीछे जिसमें हमने their भी लगाया, तो वहाँ पे their आ गया और ये two things आ गया, तो यहाँ पे भी between आ जाएगा, clear? For example, French geologist I.G. Hilaire used the term ethology 61 में for the study of the relations. Okay, A would be the right answer. To the study, with the study, in the study नहीं हो सकता. So science के according यहाँ पे for आएगा. Study of the relations of the organisms within the family and society in the aggregate. Okay, so the right answer of 62 would be A. Okay, society in the aggregate and in the community. British naturalist Saint George Jackson may what propose the term hexiology with regard to the study of the relations. Question number 63rd ka off aega, relations of, relation for living, relation within the, within living, relations in living doesn't make sense. Relations of living creatures to other organisms and their environment as regards the nature of the locality they frequent, the temperatures, and the 64th question ka answer aega, amount of light. Focus of light doesn't make sense, share of light doesn't make sense, quality of light, तो यहाँ पे बिल्कुल ही context से बाहर बात की जा रही है, clear? So यहाँ पे context के according जो बात चल रही है उसके according जाना चाहिए, यहाँ पे amount of light, clear? Which suit them and their relations to other organisms as enemies, rivals or accidental and involuntary infectors. तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरह अगर हम मूव करते हैं तो क्वेश्चन आगे है हमारा कॉम्प्रिहेंशन. ओके, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज इसमें गिवन है. ओके, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आपको पता है कॉम्प्रिहेंशन मींस व्हाट, अंडरस्टैंडिंग. तो इसमें पहले तो आपने डायरेक्ट यहां पे क्वेश्चन ही रीड कर लो. 65th क्वेश्चन देखेंगे, ह्यूमैनिटीज इवोल्यूशन फ्रॉम प्रिमिटिव स्टेज टू द प्रेजेंट हैज बीन. ओके, तो बोल रहा है हैज बीन स्टेटिक एंड स्मूथ, ह्यूज एंड डाइवर्सिफाइड. तीन इसमें उसको डबल मींस डिवाइड किया इस पैसेज को. पहले तो उसमें पहले वाली स्टेज बताइए, लाइक पढ़ते हैं थोड़ा, हम स्टार्ट करते हैं. मैनकाइंड्स एक्सपीरियंस ऑफ वेरियस इवोल्यूशनरी चेंजेस फ्रॉम प्रिमिटिव टाइम्स टू द प्रेजेंट डे हैज बीन एक्सटेंसिव एंड वेरिड. ओके, तो एक्सटेंसिव एंड वेरिड. ओके, सो द राइट आंसर वुड बी, इसमें ह्यूमैनिटीज इवोल्यूशन फ्रॉम प्रिमिटिव स्टेज टू द प्रेजेंट हैज बीन कैसी थी, मतलब फिर आगे बोला, however man's problems were never before as complicated as they seem to be today. Means पहले इंसान की जो problems इतनी complicated नहीं थी जितनी कि आज के समय में हो चुकी है. तो बोला humanity's evolution, evolution means change होता है, clear? From primitive stage to the present has been, क्या थी? तो पहले से लेके आज तक अब क्या है? Okay, huge and diversified हो चुकी हैं. Always violent नहीं बनेगा आंसर, always peaceful हो ही नहीं सकता.
बल्कि आज की डेट में इंसान ज्यादा टेंशन में कंपैरेटिवली टू, यही सेकंड लाइन में बताना चाह रहा है। तो सेकंड लाइन से हमारा ये आंसर निकल जाता है कि पहले से लेके आज तक जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ चुकी हैं, ह्यूज हो चुकी हैं, डाइवर्सिफाइड हो चुकी हैं। 65 का जो राइट आंसर बनेगा दैट वुड बी बी। ओके, क्वेश्चन नंबर हम 66 की तरफ बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 66 हो रहा है, मैंस प्रॉब्लम्स वर नेवर बिफोर एज कॉम्प्लिकेटेड एज दे सीम टू बी टुडे। मींस मतलब इंसान की जो प्रॉब्लम्स हैं वर नेवर बिफोर एज कॉम्प्लिकेटेड एज दे सीम टू बी टुडे, वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिखती थी जितनी कि आज दिखती है। इसका क्या मतलब है? ओके, ऑप्शन ए बोल रहा है द प्रेजेंट टाइम्स आर द बेस्ट टाइम्स ऑफ ह्यूमैनिटी, हो ही नहीं सकता। ओके, द प्रेजेंट टाइम्स आर द क्रूशियल पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटी, पीरियड फॉर ह्यूमैनिटी। द प्रेजेंट टाइम्स पोज मच मोर चैलेंजेस टू ह्यूमंस देन द प्रीवियस टाइम्स। तो ये राइट आंसर यहाँ पे बनेगा। ओके, क्योंकि उसने ऊपर बोला है मैन्स प्रॉब्लम्स वर नेवर बिफोर एज कॉम्प्लिकेटेड एज दे सीम टू बी टुडे। इसका मीनिंग यही है कि जो प्रेजेंट टाइम्स है जो वो पोज करता है मच मोर चैलेंजेस, कि आज की लाइफ में जो है ज्यादा कॉम्पिटिशन है, लोग ज्यादा जो है चैलेंज को फेस करते हैं, ठीक है, चैलेंज टू ह्यूमंस than the previous times। पुराने टाइम में लोगों को टेंशन कम होती थी, ठीक है, तो ये उस सेंस में बोला जा रहा है। तो आंसर बनेगा 66 का सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला व्हाई डज द ऑथर से दैट लेबर प्रॉब्लम्स डिड नॉट एग्जिस्ट ड्यूरिंग द हंटिंग एंड फिशिंग स्टेज। व्हाई डज द ऑथर से, कि ऑथर ने ऐसा क्यों कहा है दैट लेबर प्रॉब्लम्स डिड नॉट एग्जिस्ट, कि लेबर प्रॉब्लम्स उसमें एग्जिस्ट नहीं करती थी ड्यूरिंग द हंटिंग एंड फिशिंग स्टेज। जो सेकंड पैराग्राफ अगर हम इसका थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा हम पीछे देखते हैं, तो सेकंड पैराग्राफ हम देखते हैं इसका क्या था। सेकंड पैराग्राफ में बोला इनिशियली मैन पास्ड थ्रू द हंटिंग एंड फिशिंग स्टेज, ड्यूरिंग दिस पीरियड हिज बेसिक नीड्स वर एडिक्वेटली मेट बाय नेचर। एडिक्वेटली वर्ड भी इसमें इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया फर्दर। मेट बाय नेचर, वाइल्ड एनिमल्स बर्ड्स एंड फ्रूट सैटिस्फाइड विद हिज हंगर एंड हिज थर्स्ट वाज क्वेंच्ड, हिज थर्स्ट वाज क्वेंच्ड बाय द वाटर्स ऑफ स्प्रिंग्स एंड रिवर्स। Caves gave him shelter and barks of trees were used as clothing. During the stage of man's progress, labor problems did not exist because of the absence of an economic, political and social systems. Okay, तो इस पैराग्राफ में ही बताना चाह रहा है कि उसमें जो उसकी इंसान की जो बेसिक नीड्स थी वो नेचर से पूरी होती थी, ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स बर्ड्स एंड फ्रूट्स उसकी हंगर उसकी भूख को सेटिस्फाई करते थे, और उसकी थर्स्ट जो थी वाटर की वो स्प्रिंग्स और रिवर से वो पानी पीता था। केव्स गेव हिम शेल्टर, गुफाओं में वो रहता था, वो एज ए घर का काम करती थी, ठीक है, तो ये कुछ बताया हुआ है इसलिए उसको ज्यादा टेंशन नहीं रहती थी। तो अगर हम इस पे क्वेश्चंस को देखते हैं तो बड़ा व्हाई डज द ऑथर से दैट लेबर प्रॉब्लम्स डिड नॉट एग्जिस्ट ड्यूरिंग द हंटिंग एंड फिशिंग स्टेज। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा दैट वुड बी बी, बिकॉज देयर वर नो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड सोशल सिस्टम्स। जब ये सिस्टम ही नहीं था उस टाइम तो उसको प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए वहाँ पे लेबर प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं हुई। ओके, फिशिंग स्टेज में, क्योंकि ये सिस्टम नहीं था, पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था उस टाइम, लाइक डेमोक्रेसी आज की डेट में जैसे लोग वोट डालते हैं, अपना उम्मीदवार चुनते हैं, ठीक है, तो इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो ये वाला सिस्टम उस टाइम पे नहीं था। ओके, इसलिए बोलना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ मूव करेंगे, बोलेगा द पेस्टोरल स्टेज वाज मार्क्ड बाय सर्टेन अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। हाउ, जो पेस्टोरल स्टेज थी वाज मार्क्ड बाय अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, कैसे? ओके, तो थोड़ा हम पीछे देखते हैं, पैसेज को दोबारा एक बार रीड कर लेते हैं, लास्ट दो पैराग्राफ्स में उसी के बारे में बताएगा। देन केम द पेस्टोरल स्टेज which was marked by a certain amount of economic activity, the nomadic, nomadic means होता है जो wander करता है, ऐसे घूमता रहता है दूर-दूर, okay? And migratory nature of man persisted, and together with his goats and cattle, he moved on to fresh pastures and meadows. Some conflicts would sometimes take place among herd owners, for during this period, the institution of nominal private property ownership was not known. This stage paves the way for the agriculture stage, during which the class system began to build. There was a small artisan. Artisan means one who works on wood. Okay, class mostly self-employed, and there were also landed proprietors or jamindars as well as slaves. Thus arose the feudal system. Feudal means होता है झगड़ा टाइप। Okay, during the fourth stage of these developments, the handicraft stage, a number of social and economic changes में तो classes के बारे में बताया हुआ है, ठीक है, तो हम direct उस question की तरफ बढ़ते हैं, question number 68 की तरफ। तो question number 68 में पूछा गया है, बोले the pastoral stage was marked by a certain amount of economic activity, how? Okay, तो option ये बोला, humans started migrating and held goat herds, humans starting owning land,
इसकी तो कोई बात नहीं की गई है, ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगी। कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड एज ह्यूमंस ओन्ड गोड्स, ये भी बिल्कुल राइट रॉन्ग आंसर है, ठीक है, ऐसे कोई कुछ बताया नहीं गया उसमें। ह्यूमंस स्टार्टेड डूइंग एग्रीकल्चर, इसकी तो बिल्कुल भी बात नहीं की गई है, क्लियर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा इसमें वो बनेगा दैट वुड बी ए, ह्यूमंस स्टार्टेड माइग्रेटिंग एंड हेल्ड गोट हर्ड्स, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन सरफेस्ड। ओके, सो सरफेस्ड का जो राइट आंसर है, अगर हम थोड़ा पीछे पैसेज को देखते हैं तो वहां पे ये सारे वर्ड्स जो ऑप्शंस में थे क्वेंच्ड, लाइक सरफेस्ड इस पैसेज में कोई वर्ड हमें गिवन नहीं है, ठीक है। बट फर्दर हम देखते हैं तो ये जो चार वर्ड्स इस ऑप्शन में दिए हैं, नोमेडिक, मैंने आपको बताया नोमेडिक मींस होता है वही वॉन्डरिंग जो करता है, घूमता रहता है। एडिक्वेटली क्वेंच्ड, ये सारे वर्ड्स ऑप्शन में थे, बट इन चार वर्ड्स में से कौन सा ऐसा वर्ड है जो जिसका मीनिंग सरफेस्ड बन रहा है, ठीक है। तो नोमेडिक वॉन्डरिंग होता है, नहीं हो सकता। एडिक्वेटली इमर्स्ड बेसिकली सरफेस्ड होता है। ओके, सो बी इसका पैसेज के अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं तो बी इसका राइट आंसर बनेगा। पैसेज नंबर सेकंड पे हम जाते हैं, क्वेश्चन 70 होगा इससे रिलेटेड। ओके, एवर सिंस इंडिपेंडेंस land reforms have been a major instrument of state policy to promote both equality and agriculture investment, clear। तो ये second paragraph पे हम question को check करते हैं कि selected question number क्या था। तो 70 question number देखेंगे, तो 70 question में पहला question पूछा गया है, why does the land reform to be slow, okay, कि land reform जो है वो धीरे क्यों था पहले starting में, okay, because of the disparity in power structure, because of the power of the government, because states have different laws। तो अगर हम इस पैराग्राफ को देखेंगे, पीछे पढ़ते हैं इसको, ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे कि इसमें जो है inequality, disparity means होता है difference basically, okay। तो 70 number question से related first paragraph पे हमें जाना पड़ेगा। तो बोला ever since independence land reforms have been a major instrument of state policy to promote both equality and agricultural investment, unfortunately progress on land reforms has been slow। तो slow word से हमें वहां पे hint मिल रहा है, ठीक है, कि वो धीरी थी, वही उसी पे क्वेश्चन है कि वो स्लो क्यों थी। रिफ्लेक्टिंग द resilience is to flexibility of structures of power that gave rise to the problem in the first place, the main instrument for realizing more equitable distribution of land is the land ceiling laws, these laws were enacted by several states during the late 1950s and 1960s and the early 1970s, so more stringent amendments in the laws to plug loopholes means drawbacks hota in the earlier laws, but the record of implementation has not been satisfactory, around 3 million hectares of land has been declared surplus so far, which is hardly 2% of net slow area in India। Okay, तो अगर इस पैराग्राफ को हम देखते हैं तो उसमें वही है क्वेश्चन, हमसे वही पूछा गया है, इतनी डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि वो जो क्यों थी, क्योंकि उसमें जो है टेक्नोलॉजी में क्या थी, डिस्पैरिटी थी। तो क्वेश्चन के ऑप्शंस हम चेक करते हैं, तो व्हाई डज द लैंड रिफॉर्म प्रूव टू बी स्लो, वो धीरे क्यों हो गए। ओके, क्योंकि वहां पे क्या था, बिकॉज ऑफ द डिस्पैरिटी इन पावर स्ट्रक्चर में डिस्पैरिटी थी, बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज स्टेट्स हैव डिफरेंट लॉज, बिकॉज ऑफ द स्कार्सिटी ऑफ लैंड इन द लॉ। सो दिस का जो एप्रोप्रिएट जो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दैट वुड बी ए। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। ओके, सो ऑप्शंस इसमें डबल पेयरिंग में गिवन है, लाइक 1 and 4, 3 and 4, बी बोरा 1 ओनली एंड डी बोरा 2 and 4, क्लियर। तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया, अकॉर्डिंगली हमने आंसर देना है। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, तो हमने इसमें बताना है कि कौन स्टेटमेंट जो है करेक्ट है और कौन सी इसमें इनकरेक्ट है, क्लियर। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है लैंड सीलिंग लॉज हैव प्रूव्ड टू बी अनसैटिस्फैक्टरी, सेकंड बोल रहा है द डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट प्रोवाइड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ लैंड रिफॉर्म्स एज वी डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर पैसेज। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट वुड बी ए, क्योंकि वहां पे फर्स्ट और फोर्थ जो ऑप्शन है वो हमारी ट्रू बनेगी इसमें, क्लियर। बाकी ऑप्शन से इनकरेक्ट है। सेकंड ऑप्शन में बोल रहा है द डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट प्रोवाइड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, ऐसा कुछ उस पैसेज में पीछे बताया नहीं गया, ठीक है, कि जो डेमोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का वो प्रोवाइड नहीं कर सकता है सॉल्यूशन, ठीक है। तो गवर्नमेंट का काम ही तो सॉल्यूशन देना होता है, ठीक है, जहां जहां जिस सेक्टर में प्रॉब्लम है उस पर वर्क करना, ठीक है, उस पर रिफॉर्म्स करना। तो ये तो बिल्कुल गलत आंसर जा रहा है सेकंड वाला। स्टेटमेंट नंबर थर्ड बोल रहा है द ऑनर्स
of land have abundant natural resources. तो ऐसा भी कुछ पैराग्राफ में नहीं बताया गया कि जो जो लैंड के जो ऑनर्स थे उनके पास बहुत ज़्यादा अबंडेंट मीन्स वही होता है प्लेंटी ऑफ, ठीक है, रिसोर्सेज बहुत सारे थे. सो तो इसका राइट आंसर बनेगा दैट वुड बी फर्स्ट एंड फोर्थ. ओके सो 71 क्वेश्चन का आंसर बनेगा फर्स्ट एंड फोर्थ. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे हम मूव करते हैं. Question number 72. Okay, 72 question bora. One of the reasons of selling off the lands by the allottees is that the lands were. मतलब जो lands की जो owners one of the reasons of selling off the lands. मतलब वो ज़मीनों को क्यों बेच रहे थे by the allottees is that lands were कि जो lands थे वो क्या हो गई थी. तो पीछे इस पैसेज में बताया गया है कि जो लैंड थी वो बैरन होगी. बैरन मींस बेसिकली क्या होता है, बंजर होता है, ठीक है. तो ये जो सॉल्टी नॉट गेटिंग वाटर ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है. विद द पावरफुल पीपल लैंड से रिलेटेड पीपल का कोई लिंक नहीं बनेगा. फर्टाइल बट अनकल्टिवेटिव, ठीक है. तो ये तो कोई बात ही नहीं बनी कि फर्टाइल है लैंड बट उसको हम उस पर कुछ उगा नहीं सकते, अनकल्टिवेटेबल. तो राइट आंसर इसका बनेगा 72 का ए, क्योंकि वो अनप्रोडक्टिव थी और बैरन हो चुकी थी. बैरन मीन्स वही होता है अनप्रोडक्टिव, मीन्स जिसके ऊपर कुछ उगाया उगता नहीं है, क्लियर. सो क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ मूव करते हैं. विच वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन द पैसेज मीन्स लॉसूट. ओके सो लॉसूट मीन्स व्हाट, क्या होता है लॉसूट मीन्स वही होता है कि जो नियम है वो सबके लिए होना चाहिए, ठीक है. अमेंडमेंट्स चेंजेस होते हैं, इलीगल पोजेशन हो ही नहीं सकता, ठीक है. इसमें जो राइट आंसर बनेगा 73 का दैट वुड बी लिटिगेशंस, मींस जो कानून सबके लिए बनना चाहिए. ओके क्वेश्चन नंबर 74 अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ऑफ मेजॉरिटी ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन. ओके सो अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ऑफ मेजॉरिटी ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन. ओके कि क्या उनका होना चाहिए, इंडिया का पॉपुलेशन का सोर्स ऑफ लाइवलीहुड का प्राइमरी उनका क्या होना चाहिए, ठीक है. तो ऑप्शन ए बोल रहा है दे डोंट हैव मनी टू बाय लैंड्स. ओके सॉरी ये क्वेश्चन नेक्स्ट है. तो इसका जो फोर ऑप्शन दैट इज इंडस्ट्री, सेकंड ऑप्शन इज फॉरेस्ट, सी ऑप्शन बोल रहा है एग्रीकल्चर और डी ऑप्शन बोल रहा है नन. अब सिंपल सी बात है, जिसके पास जमीन है तो उसके लिए जो लाइवलीहुड का सोर्स होगा वो क्या होगा, वो तो ऑब्वियस है कि वो तो एग्रीकल्चर ही होगा, इंडस्ट्री थोड़ी होगा, फॉरेस्ट थोड़ी होंगी, नन तो हो ही नहीं सकता. एग्रीकल्चर वुड बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 75 देयर आर आल्सो दोज हु आर एंटायरली लैंडलेस. मतलब ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कंप्लीटली उनके पास लैंड नहीं है. ऑल्दो एग्रीकल्चर इज देयर मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड मीन्स, हालांकि मतलब कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास entirely वो लैंडलेस है, उनके पास जमीन नहीं है, फिर भी हालांकि एग्रीकल्चर इज देयर मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, फिर भी जो कृषि करना उनका मेन जो लाइवलीहुड है. इसका क्या मतलब है, इस लाइन का क्या मीनिंग बताना चाह रहा है ऑथर कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग. तो आप ऑप्शन ए देख लेते हैं, बोला दे डू नॉट हैव मनी टू बाय लैंड्स, दे डोंट हैव मनी टू बाय लैंड्स. ऑप्शन बी बोला दे हैव सोल्ड ऑफ देयर लैंड्स टू अदर्स. नहीं, जब वो बोल रहा है कि वो एंटायरली लैंडलेस है तो उनके पास जमीन कहाँ से आएगी, मीन जमीन आएगी तो फिर इस लाइन को देता ही नहीं, ऐसे ऐसे बोलता ही नहीं. देर आर ऑल्सो दोज हु आर एंटायरली लैंडलेस, तो बी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगी, ये तो आ ही नहीं सकता, क्लियर. ऑप्शन सी बोल रहा है मोस्ट ऑफ देम आर एग्रीकल्चर लेबरर्स, डजंट मेक सेंस. ओके डी ऑप्शन बोल रहा है दे आर माइग्रेंट लेबरर्स फ्रॉम अदर प्लेसेस. ऐसा भी इस पैराग्राफ में कुछ बताया नहीं है, ठीक है. मोस्ट ऑफ देम आर एग्रीकल्चर लेबरर्स, ये हो सकता है, ठीक है, कि कुछ जो है उसमें से क्या थे जो है एग्रीकल्चरल लेबरर्स थे. तो हो सकता है अजम्पशन बेस्ड आंसर लगाना पड़ेगा यहाँ पे कि शायद उन्होंने उस लेबर से एग्रीकल्चर कर करके जो है कुछ अपनी आगे जाके जो लास्ट लैंड हो रहा है. ऑल दो एग्रीकल्चर इज देयर मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, मतलब वो जमीन पे काम करते होंगे और अपनी लाइवलीहुड चलाते होंगे. तो सी वुड बी द राइट आंसर, क्लियर. 75 का सी ऑप्शन होगा. पैसेज नंबर 3 देखेंगे, बोरा डिस्पाइट डाउनसाइजिंग्स वर्कर्स ओवरऑल जॉब सेटिस्फेक्शन एक्चुअली इंप्रूव्ड बिटवीन. ये इकोनॉमिकल पैराग्राफ आया हुआ है, ठीक है. इंप्रूव बिटवीन 1980 एंड 1994. सम रीजंस गिवन फॉर इंप्रूव्ड वर्क फ्लो, बेटर कोऑपरेशन बिटवीन डिपार्टमेंट, इंक्रीज फेयरनेस इन सुपरविजन. मैनी फर्म्स टूडे रिलाई ऑन एटीट्यूड सर्वेज टू मॉनिटर हाउ इम्प्लॉयज फील अबाउट वर्किंग इन द फर्म्स. द यूज ऑफ एम्प्लॉय एटीट्यूड सर्वेज हैड ग्रोन सिंस 1944 व्हेन द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस बोर्ड हैड डिफिकल्टी फाइंडिंग 50 कंपनीज दैट हैड कंडक्टेड ओपिनियन सर्वेज. टूडे मोस्ट कंपनीज आर अवेयर ऑफ द नीड फॉर एम्प्लॉयज एनोनिमिटी.
ओके इस पे रिलेटेड एक से दो क्वेश्चन आगे मिलेंगे हमें द इंपैक्ट ऑफ बोथ द डिजाइन ऑफ द क्वेश्चंस एंड देयर सीक्वेंस द इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग नोइंग द पर्पस ऑफ द सर्वे बिफोर इट इज टेकन एंड गेटिंग फीडबैक टू द एम्प्लॉइज आफ्टर इट इज कंप्लीटेड ओके कंप्यूटराइजेशन ऑफ सर्वेज कैन प्रोवाइड एनोनिमिटी इफ देयर इज नो ऑडिट trial to the user especially for short answers that are entered rather than written or typed on an identifiable machine clear to humne yahan pe tak do paragraph dekhe hain bina read kare to aap aage hum is pe questions dekh lete hain so what would be the question number 76 kaun sa question hai to question dekhte hain 76 what are which one of the following is not the reason for improved job satisfaction of employees ओके इस पैराग्राफ के क्वेश्चंस थोड़े उलझाए हुए हैं मतलब थोड़ा डिफरेंट करके पूछा है बट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन फॉर इंप्रूव्ड जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज कौन सा ऐसा रीजन इसमें से मतलब जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज इज नॉट द रीजन कौन सा रीजन नहीं है इनमें से जो जॉब सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड है तो बोल रहा है फर्स्ट बोल रहा है इंप्रूव्ड वर्क फ्लो क्या ये रीजन हो सकता है बेटर कोऑपरेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स क्या ये बेटर रीजन हो सकता है नहीं हो सकता सुपरवाइजर्स फेयरनेस और बोल रहा है इंक्रीज्ड रेमुनरेशन तो यहाँ पे जो बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू ये जो पैराग्राफ हमने थोड़ा सा पहले मैंने रीड करा तो उसके अकॉर्डिंग तो ये बात यहाँ पे क्लियर हो रही कि जो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन जो नहीं है रीजन दैट वुड बी डी ओके सो इंक्रीज्ड रेमुनरेशन रेमुनरेशन इज टू सैलरी So this would be the right answer over here. Question number 77. Companies feel that it is necessary to. Companies को ये लगता है कि ये चीज जरूरी है क्या ऑप्शन ए बोल रहा है maintain anonymity of the employees and to have effective design and sequence of questions and effective communication. ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है maintain the fairness of the managers to be part of the survey. ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है conduct surveys from their employees. और ऑप्शन नंबर डी ए और डी ना थोड़ा सा इसमें उलझाया हुआ है ए स्टेटमेंट अगर हम देखते हैं तो यहाँ तो बोल रहा है एंड टू हैव इफेक्टिव डिजाइन और डी ऑप्शन में बोल रहा है एंड नॉट टू हैव इफेक्टिव डिजाइन तो ये दो बातें यहाँ पे ध्यान में आपने देखना है तो थोड़ा इसको पैसेज को हम पीछे देखते हैं ओके तो पैसेज को जब हम पीछे देखते हैं तो वहां पे उसने बोला है यहाँ पे सेकंड लाइन में द यूज ऑफ एम्प्लॉइज एटीट्यूड सर्वेस हैड ग्रोन सिंस इन 1944 व्हेन द नेशनल इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस बोर्ड एंड डिफिकल्टी कंपनीज हैव कंडक्टेड ओपिनियन सर्वेस टुडे मोस्ट कंपनीज आर अवेयर ऑफ द नीड फॉर एम्प्लॉइज एनोनिमिटी ये दिस पर्टिकुलर टुडे द मोस्ट कंपनीज आर अवेयर ऑफ द नीड फॉर एम्प्लॉइज एनोनिमिटी द इंपैक्ट ऑफ बोथ द डिजाइन ऑफ द क्वेश्चंस एंड देयर सीक्वेंस ओके तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन को यहाँ पे बात की जा रही है तो इसका आंसर सेंस के अकॉर्डिंग ए बनना चाहिए तो आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन वही बोल रहा है कंपनीज फील दैट इट इज नेसेसरी टू मेंटेन एनोनिमिटी ऑफ द एम्प्लॉइज एंड टू हैव इफेक्टिव डिजाइन एंड सीक्वेंस इसकी बात की जा रही है पीछे पैराग्राफ में ठीक है तो डी ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगी क्योंकि उसमें नॉट टू हैव बोल रहा है तो इसका राइट आंसर बनना चाहिए सेंस के अकॉर्डिंग ए ओके क्वेश्चन नंबर 78 बोल रहा है वन मेजर बेनिफिट ऑफ यूजिंग सर्वे सॉफ्टवेयर पैकेजेस इज तो ये फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में पीछे बताया गया है तो पीछे अगर हम नेक्स्ट पैराग्राफ को रीड करते हैं तो उसमें वो आगे बताया गया सर्वे सॉफ्टवेयर पैकेजेस आर अवेलेबल that generate questions for a number of standard topics and can be customized by modifying existing questions or by adding questions if the survey is computerized reports can be generated to ye line hame yahan pe bata raha hai clear to isko thoda aap aage jaake dekhenge to aage hum dekhte hain question bol raha hai one major benefit of using service software packages reports can be generated easily privacy of a person exposed to the supervisor ये नहीं हो सकता doesn't make sense ये ऐसा कुछ बताया नहीं employees would like to take up the test on computer ये भी बिल्कुल गलत बात बताई गई इसका राइट आंसर ए होगा क्योंकि उसी लाइन में ये क्लियर हो गया वहां पे रिपोर्ट कैन बी जनरेटेड इजिली विच वर्ड इन द पैसेज मीन टेंडेंसी ओके टेंडेंसी का यहाँ पे जो राइट आंसर है तो टेंडेंसी वर्ड को अगर हम देखते हैं तो बोल रहा है कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग टेंडेंसी वहां पे जा रहा है ठीक है तो पैनल आपको थोड़ा पीछे अगर हम देखते हैं तो पीछे जाके एक ट्रेंड वर्ड आ रहा है यहाँ पे ट्रेंड क्लियर सो इस ट्रेंड वर्ड का जो मीनिंग जाएगा वो टेंडेंसी बने इफ द सर्वे इज कंप्यूटराइज रिपोर्ट्स कैन बी जनरेटेड विद ईज टू प्रोवाइड स्नैपशॉट्स ऑफ अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम ट्रेंड एनालिसिस एंड ब्रेकडाउन्स अकॉर्डिंग टू द वेरियस डेमोग्राफिक्स यू मे बी इंटरेस्टेड इन रिस्पॉन्सेज बाय एज सेक्स जॉब कैटेगरीज डिपार्टमेंट डिवीजन फंक्शंस और
ज्योग्राफी. तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ट्रेंड वर्ड का ही मीनिंग जो है आगे जाके टेंडेंसी जाएगा. ओके सो इसका ट्रेंड का मीनिंग वहाँ पे टेंडेंसी बन रहा है. ठीक है टेंडेंसी मीन्स बनेगा तो ट्रेंड वर्ड का मीनिंग यहाँ पे टेंडेंसी जाएगा. क्वेश्चन नंबर 18 जब हम देखते हैं बोले द स्कीम शुड नॉट बी व्यूएबल टू सुपरवाइजर्स और पासर बाय. व्हाई क्वेश्चन नंबर 80 to maintain the secrecy of a person the main problem is to enable everyone to participate the manager has to be fair enough to maintain the problems faced by women in job market so the right answer iska direct main aapko yahan pe bata raha hu a banega aur 81 ka jo right answer banega yahan pe customized ka jo meaning jayega specific wording that would be adapted okay uske baad next further hum question number 82 ki taraf badhte hain to question number 82 se aage हम देखेंगे वहां पे हमने वकैब का मीनिंग देना. क्लियर 82 का राइट आंसर बनेगा इंपाउंडेड द प्रॉपर्टीज ऑफ द फैमिली हैव बीन इंपाउंडेड बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट. ओके तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट विल बी कॉन्फिस्केटेड द प्रॉपर्टीज ऑफ द फैमिली हैव बीन इंपाउंडेड बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट. इसका राइट आंसर ए बनेगा. क्वेश्चन नंबर 83 पर है द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द ऑपरेशंस हैज बीन इंपल्स्ड फॉर द एक्सेसेस सो द राइट आंसर वुड बी चैलेंज्ड. ये हमने यहाँ पे देखना है कि synonyms means होता है nearest in meaning. इन words के जो है right meaning यहाँ बनेगा. Impounded का right meaning यहाँ confiscated बनेगा by the order of the court. The properties of the मतलब उसको जब्त कर लिया गया. clear? The officer in charge of the operations has been impounded. Impounded का जो यहाँ पे meaning बन रहा है that would be challenged. Okay? For the excesses, cognitivist and linguists believe that every child is born with innate qualities. Innate means वही होता है जो बंदे में पहले से ही खुद से होती हैं. Means natural qualities होती हैं. Clear? तो यहाँ पे natural का तो antonyms तो हम नहीं दे रहे हैं कि जो D option करेंगे. So intrinsic वही होता है. Intrinsic होता है जो बंदे के अंदर पहले से ही होता है. Clear? So, naturally होता है. Okay? 85 का यहाँ पे synonym बनेगा obligatory का. Compulsory would be the right answer. It was obligatory. It was compulsory for the board to implement the rule. Okay, 86 brother, they describe the act as a blatant betrayal of faith. Okay, betrayal means is what? Betray means hota cheating, dhokha dena. So the right answer would be treachery. Okay, treacherous. Treachery means hota hai. So dhokha dadi. किसी को विश्वासघात किसी के साथ करना. क्लियर सो ए ऑप्शन पॉजिटिव है दैट इज लॉयल फेथफुलनेस इज पॉजिटिव ऑनेस्टी इज पॉजिटिव सो बिट्रेयल का राइट आंसर यहां पे बनेगा सिनोनिम बनेगा दैट विल बी ट्रेजेडी. क्लियर 87 क्वेश्चन हो रहा है हाउएवर इफ इट मस्ट डिसाइड देन इट शुड डू सो ऑन द नैरोएस्ट ग्राउंड पॉसिबल सो नैरोएस्ट का स्मॉलेस्ट वुड बी द राइट आंसर. ओके सिमिलर बनेगा स्मॉलेस्ट और कोई बन नहीं सकता यहां पे नैरो आपको पता है तंग होता है तो स्लाइटली नहीं बन सकता थिक नहीं हो सकता वाइडेस्ट नहीं हो सकता सो राइट आंसर वुड बी सी. एंड 88 बोला दिस इज अकीन टू अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप दैट प्लेसेस ऑब्लिगेशंस ऑन द एंटिटीज एंट्रस्टेड विद डेटा. क्लियर सो द राइट आंसर वुड बी सिमिलर इफ दिस इज सिमिलर टू अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप. ओके सिमिलर होता है अकीन. ओके क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो 89th क्वेश्चन हम देखते हैं मेनी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स कैन बी एट्रीब्यूटेड. ओके सो एट्रीब्यूटेड का यहां पे जो राइट आंसर बनेगा सिनोनिम बनेगा दैट वुड बी एस्क्राइब्ड. ओके सी वुड बी द राइट आंसर टू डायरेक्टली टू मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड इनएक्यूरेसीज. क्लियर सो एस्क्राइब्ड मेनी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स कैन बी ascribed directly means connected directly so attributed yahan pe ascribed jayega. Question number 90 bolenge the exemptions granted to state institutions for acquiring is what obtain simple word hai obtain aa jayega yahan pe prapt karna. Okay the manner in which this exercise has been undertaken leaves much to be desired is what wish for. ओके तो क्वेश्चन नंबर 92 से आगे फिर से ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस जंबल का दूसरा लेवल है. उसमें पीछे हमने जो स्टार्टिंग में करे थे उसमें एक ही स्टेटमेंट को हमने अरेंज किया बट यहाँ पे क्या है हमें S1 S6 मीन स्टार्टिंग और एंडिंग गिवन है बट बीच वाले स्टेटमेंट्स को हमने अरेंज करना है. क्लियर तो 92 क्वेश्चन बोल रहा है S1 मींस ओपनिंग हमें गिवन है बोल रहा है द मास्टर ऑलवेज सेज रिफ्यूज टू बी मिजरेबल. ओके द मास्टर ऑलवेज सेज refuse to be miserable. Okay तो इसके साथ आपने अटैच करना है what would be the right answer. Okay इसके साथ अगर हम पढ़ते हैं P को before you fall into self pity तो P इसमें इसके साथ अटैच नहीं होता right. Okay फिर हम इसके बाद पढ़ते हैं Q को challenges are faced by the strong and courageous. Refuse to be miserable ऊपर दिया है तो इसके साथ जो statement जो अटैच होगी that would be S. Okay if you want to be happy find occasions to be cheerful. Okay
एसे स्टेटमेंट स्टार्ट होगी, अगर इन चार ऑप्शंस को देखेंगे तो एसे ही एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रही है, दैट इज बी। ओके, और फिर भी एस के बाद आप जोड़ना चाहते हो तो आप जोड़ सकते हो, इफ यू वांट टू बी हैप्पी फाइंड ओकेजंस टू बी चीयरफुल, क्यों जुड़ेगा, चैलेंजेस आर फेस्ड बाय द स्ट्रांग एंड करेजियस एंड इफ लाइफ ब्रिंग्स यू सच अपॉर्चुनिटीज देन टर्न फेलियर्स इनटू सक्सेस। पी, before you fall into self pity and blame games, remember that responsibility comes to only those who feel responsible. R, life can be painful but it no, need not be sorrowful. ठीक है, इसमें क्या किया हुआ है, इसने दो स्टेटमेंट्स को पहले पॉजिटिव दे रखा है, फिर लास्ट वाले दो को इसने नेगेटिव दे रखा है, फिर जिंदगी जीने का बोल रहा है ये एक आर्ट है, ये कला है। ठीक है, तो द राइट आंसर इसका बनेगा बी, बी वुड बी द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 आप देखेंगे, 93rd क्वेश्चन है हमारे पास, बोल रहा है एस1 स्टेटमेंट गिवन है, गांधी जी रीच्ड न्यू कैस्टल एंड टुक चार्ज ऑफ द एजिटेशन, आंदोलन का उन्होंने चार्ज लिया, पहुंचे वो न्यू कैस्टल और उन्होंने आंदोलन का चार्ज लिया। तो एस1 स्टेटमेंट हमें फर्स्ट ओपनिंग स्टेटमेंट गिवन है, इसके बाद आपने अटैच करना है, तो आप देखेंगे कि इसमें कौन सी स्टेटमेंट सही इसके साथ अटैच होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट का लिंक बनाइए। ओके, गांधी जी रीच न्यू कैस्टल एंड टुक चार्ज ऑफ द एजिटेशन। ओके, तो दो ऑप्शन ऐसे हैं जो क्यू से स्टार्ट हो रही है, एक ऑप्शन इंडिपेंडेंट एस से स्टार्ट हो रही है, एक आर से स्टार्ट हो रही है। क्लियर, तो इसमें एस वाली स्टेटमेंट को अगर हम इसके अटैच करते हैं, गांधी जी रीच न्यू कैस्टल एंड टुक चार्ज ऑफ एजिटेशन, द मोरल ऑफ द वर्कर्स हाउएवर वाज वेरी हाई, ये डजंट मेक सेंस, एस वाली स्टेटमेंट बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगी क्योंकि ये पहली स्टेटमेंट के साथ इसका तो कोई लिंक बनता ही नहीं है। ओके, स्टेटमेंट नंबर आर को अगर हम इसके साथ अटैच करते हैं, बोल रहा है गांधी जी रीच न्यू कैसल एंड टुक चार्ज ऑफ द एजुकेशन, गांधी जी डिसाइडेड टू मार्च दिस आर्मी ऑफ ओवर 2000 मैन, तो ये भी कोई बात नहीं बनी, हमें यहाँ पे पहले कुछ इसका इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट इसको हम नहीं ले सकते हैं, इसके बाद इसका लिंक बिल्कुल सही नहीं मैच हो रहा है। ऑप्शन इसका मतलब ए और सी से ही यहाँ पे कोई आंसर निकलेगा, तो ए ऑप्शन भी क्यू से स्टार्ट हो रही है, बी ऑप्शन भी क्यू से स्टार्ट हो रही है, तो क्यू वाली स्टेटमेंट हम इसके साथ थोड़ा जोड़ के देखते हैं, पर गांधी जी रीच्ड न्यू कैस्टल एंड टुक चार्ज ऑफ द एजुकेशन, क्यू स्टेटमेंट बोल रहा है द एम्प्लॉयर्स रिटालिएटेड बाय कटिंग ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी टू द वर्कर्स क्वार्ट दस फोर्सिंग देम टू लीव देयर होम्स, क्यू लिटिल बिट यहाँ से अटैच हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर आर जोड़ते हैं डजंट मेक सेंस, एफ पी जोड़ते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द मार्च गांधी जी वर अरेस्टेड ट्वाइस, रिलीज अरेस्टेड देन सेंट टू जेल। ओके, उसके बाद हम बनेगा इसका राइट आंसर जो बनेगा दैट वुड बी सी, सी वुड बी द राइट आंसर। ओके, क्यू पी एस आर, क्यू पी एस आर वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर 93rd क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ हम मूव करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्सेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड, सोशलिज्म वाज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ओके, दिस द फर्स्ट क्वेश्चन मींस फर्स्ट स्टेटमेंट, इसके साथ जो डायरेक्ट जो लिंक यहां पे बनेगा वो बनेगा पी स्टेटमेंट का, मतलब पी वाला जो सेंटेंस है इसका जोड़ेगा, तो पी से एक ही सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, दैट इज ए, ए इसका राइट आंसर होगा, सोशलिज्म वाज अ डायरेक्ट चैलेंज टू कैपिटलिज्म सॉट टू पुट एन एंड टू सच एन एक्सप्लोटेटिव इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, क्यू उसके बाद अटैच होगा, देन फिर आर होगा और लास्ट में एस होगा। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 95 की तरह मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 95 में एस वन स्टेटमेंट गिवन है, व्हाट आर इंस्टीट्यूशंस डिफाइन एंड प्ले अ रेगुलेटरी रोल विद रिगार्ड टू ह्यूमन बिहेवियर। ओके, तो इंस्टीट्यूशंस डिफाइन एंड प्ले अ रेगुलेटरी रोल विद रिगार्ड टू ह्यूमन बिहेवियर, तो आपने ये देखना होता है कि स्टेटमेंट जो पॉजिटिव टोन में गोइंग ऑन है, नेगेटिव टोन में गोइंग ऑन है, तो ये सेंटेंस कहीं ना कहीं पॉजिटिव टोन में जा रहा है, तो इसके साथ जो स्टेटमेंट अटैच होगी दैट वुड बी क्यू, क्यू स्टेटमेंट पॉजिटिव है। ठीक है, बोल रहा है दे शेप प्रेफरेंसेस पावर एंड प्रिविलेजेस। ओके, तो क्यू से दो ही ऑप्शन स्टार्ट हो रही है, दैट इज बी एंड डी, ए और सी तो इसमें एलिमिनेट हो जाएगा। क्लियर, ये तो आने नहीं है, सो बी और डी में अब हम देखते हैं, तो क्यू के बाद अगर आप आर इसका अटैच करते हो तो दे शेप प्रेफरेंसेस पावर एंड प्रिविलेज एट द सेम टाइम इंस्टीट्यूशन देमसेल्फ, नहीं ये नहीं बनेगा, इसके साथ इसका लिंक नहीं बन रहा है, तो इसका राइट आंसर बनेगा डी, क्योंकि क्यू के बाद जब हम एस जोड़ते हैं तो दे शेप प्रेफरेंसेस यहां हम देखते हैं पावर एंड प्रिविलेज, फिर उसके बाद दे ऑल्सो प्रोवाइड अ सेंस ऑफ ऑर्डर एंड प्रिडिक्टेबिलिटी। क्लियर, ये दो स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दोनों ही आपस में रहेंगी अटैच, उसके बाद आर पहले आएगा, एट द सेम टाइम इंस्टीट्यूशन देमसेल्फ्स कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द पॉलिटिक्स दे प्रोड्यूस एंड सच ट्रांसफॉर्मेशन कैन अफेक्ट सोशल नॉर्म्स एंड बिहेवियर्स, और फिर लास्ट में जो सेंटेंस रहा दैट वुड बी पी, वंस एस्टेब्लिश्ड
institution set a dynamic relationship with the members and constituting them, and they mutually affect each other. So the right answer would be banega iska D. Okay, question number 96 ki taraf move karte hain. Question number 96 ka pura idioms are a colorful and fascinating aspect of language. Clear? Uske baad iske sath jo attach hogi statement, that would be D. Okay, D jo statement hai wo sentence hamara start ho raha Q se. Okay, Q bura, they are commonly used in all types of languages, informal and formal, spoken and written. Phir uska P attach hoga. P bol raha your language skills will increase rapidly if you can understand idioms and use them confidently and correctly. Then after S, one of the main problems students have with idioms is that it is often impossible to guess the meaning of an idiom from the words it contains. Or the last statement jayegi, last mein R. In addition, idioms often have a stronger meaning than non-idiomatic phrases. Or phir iska judega, idioms may also suggest a particular attitude of the person using them. For example, disapproval, humor, exasperation or admiration. So you must use them carefully. So the typical hai, lengthy hai, ye questions thode lengthy hai, but aisa nahi hai, aap isme link bana ke bana sakte ho. So 96 ka jo right answer banega, that would be D. Okay, question number next ki tarah move karte hain. 97 question ka jo pehla jo sentence hai, that would be each organism is adapted to its environment. Okay, to iske sath jo right answer banega, आप इसके साथ जो स्टेटमेंट जोड़ोगे, ए ऑप्शन आर से है, बी ऑप्शन क्यू से है, चारों ऑप्शंस बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस से स्टार्ट की गई हैं, ठीक है? तो एस से अगर आप इसको जोड़ते हो, ईच ऑर्गेनिज्म इज अडैप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट, एस क्या है, सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन अब्सॉर्ब इट एंड अदर्स टेक्स इन द, ये कुछ बनता नहीं है. ओके, स्टेटमेंट नंबर ईच ऑर्गेनिज्म इज अडैप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट, इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट वुड बी ए. आर इसके साथ बिल्कुल सही लिंक बनता है. Each organism is adapted to its environment. The form of nutrition differs depending on the type and availability of food material as well as how it. क्योंकि पहले कुछ उसका reference रहेगा, तभी उसके बाद फिर example जाएगा. Okay, तो R के बाद फिर Q आएगा. Direct यहाँ पे example नहीं आ सकता. So 97 का answer बनेगा A. Okay, question number 98. When I was alive and had a human heart, answered the statue. I didn't know what tears were, for I lived in the palace of suns south sea, where sorrow is not allowed to enter. Clear? So 98 mein jo is statement ka attach hoga first ke saath, that would be R. Aur R se ek hi option start hui hai, that is D. Okay, to iske baad R mein bol raha, my country is called me the happy prince and happy indeed I was if pleasure be happiness. So the right answer 98 ka D banega. R iske baad pehle attach hoga, fir P attach hoga, fir Q, then S. Clear? Question number hum 99 ki taraf move karte hain. Question number 99 ka first question hai. One day her mother, having made some cakes, said to her, go my dear and see how your grandmother is doing, for I hear she has been very ill. Take her a cake and this little pot of butter. Okay, to मतलब एक दिन वो उसको बोलती है कि तुम जाओ अपनी ग्रैंड मदर के पास. क्लियर? तो यहां से हम अंदाजा लगा सकते हैं इसके साथ जो स्टेटमेंट जुड़ रही है फर्स्ट के साथ वो ये है, ठीक है? मींस एस वाली है. ओके, शी सेट आउट इमीडिएटली टू गो टू हर ग्रैंड मदर. तो एस से एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रही है, दैट इज बी. शी सेट आउट इमीडिएटली टू गो टू हर ग्रैंड मदर हु लिव्ड इन अनदर विलेज. तो इसके बाद आप अटैच करना चाहते हो तो आप इनको आगे रीड कर सकते हो, बट मैंने डायरेक्ट इसका फर्स्ट का लिंक एस से अटैच किया, ठीक है? फर्स्ट स्टेटमेंट का लिंक एस से है और इसका एस से एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रही है, दैट इज बी. बी 100 स्टेटमेंट में बोलते हैं, आई हैड स्पेंट मेनी नाइट्स इन द जंगल लुकिंग फॉर गेम, बट दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई हैड एवर स्पेंट अ नाइट लुकिंग फॉर अ मैन ईटर. क्लियर? तो यहां पे जो अगर हम इस फर्स्ट स्टेटमेंट का जो लिंक अटैच करते हैं दैट वुड बी डी. आर यहां पे इस बिल्कुल राइट अटैचमेंट बनता है आर का, ठीक है? आर स्टेटमेंट क्या है, एज द ग्रीव डॉन was lighting up the snowy range which I was facing, I rested my hat on my turn up knees. R, P, Q, then S. ठीक है, तो 100 question का right answer बनेगा D. ओके, ये भी थोड़ा lengthy question है. उसके बाद थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, question next 101 पे.
101 से पार्ट्स ऑफ स्पीच को बताना है स्टूडेंट्स ने कि किस सेंटेंस में कौन सी वर्ब है, कौन सा एडवर्ब है, कौन सा प्रपोजिशन है. तो बोला गिवन बिलो आर अ फ्यू सेंटेंसेस, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स, चूज द रिस्पांस ए बी सी और डी व्हिच इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन. 101 क्वेश्चन बोला रीटा ईट्स हर डिनर क्विकली. सो यू पीपल नो वेरी वेल दैट सब्जेक्ट कम्स अर्लियर, सब्जेक्ट पहले आता है और उसके बाद हमेशा वर्ब आती है. सो ईट इज द मेन वर्ब हियर, सो वो ये वर्ब का काम यहां पे कर रहा है. ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 102 where he thought the movie ended abruptly. Okay, so abrupt is adjective. Okay, abruptly is adverb, like slow is adjective, slowly is adverb. So adverb yahan pe abruptly adverb ka kaam kar raha hai. Uske baad next word I will meet you in the third week of August. Okay, to in yahan pe wo time position bata raha hai, in the third week of August. To ye preposition ka kaam yahan pe kar raha hai. Jasmine and roses, जैस्मीन्स और रोजेस को दोनों को कनेक्ट यहाँ पे एंड कर रहा है, तो ये कंजंक्शन का काम कर रहा है. शी ट्रूथफुली आंसर्ड द डिटेक्टिव्स क्वेश्चंस. ट्रूथफुली, ट्रूथ इज नाउन. ओके, और आगे ट्रूथफुली हमारा यहाँ पे बनेगा एडजेक्टिव, सॉरी एडवर्ब. क्लियर, ट्रूथफुली इज एडवर्ब ओवर हियर. हुर्रे वी हैव वॉन द गेम, छोटी क्लासेस से पढ़ते हैं, सो इंटरजेक्शन का काम कर रहा है. ओके, द सन राइट्स मीनिंगलेस, जो भी वर्ड्स मोस्टली जिन शब्दों के लेस लग जाता है वो एडजेक्टिव का काम करते हैं. जैसे वर्थ है तो वो नाउन है, लेकिन वर्थ के साथ जब मैं लेस लगा दूंगा तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा. सिमिलरली मीनिंगलेस यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है. क्लियर, 107 तक हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, फर्दर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 108, द सेक्रेटरी हिमसेल्फ visited the affected families. Okay, so he का reflexive himself होता है, I का reflexive myself होता है, तो ये pronoun होते हैं. Okay, question number 109, the children were walking through the forest. जंगल के उससे walking through कर रहे थे. ठीक है, तो through यहाँ पे preposition का काम कर रहा है. Okay, उसके बाद the presiding officer walked slowly. Okay, so slowly is adverb over here, that is modifying the action of verb. ओके, एडवर्ब का काम होता है वर्ब को मॉडिफाई, तो ये एडवर्ब का काम यहाँ पे कर रहा है. ओके, क्वेश्चन नंबर 111, ब्यूटीलाइज इन द आईज ऑफ अ बीहोल्डर, एक कहावत है कि सुंदरता जो है देखने वालों की नजरों में होती है. ठीक है, तो इन एलिगेंस इसका राइट आंसर बनेगा सी. ठीक है, ऑपोजिट वर्ड्स हमने यहाँ देने हैं. सो ठीक है, उसके बाद रीडिंग डिटेल्स अबाउट सुसाइड केसेस कैन पोस्ट वल्नरेबल. ठीक है, सो वल्नरेबल का जो राइट आंसर बनेगा दैट इंपरवियस. Impervious, vulnerable जानलेवा होता है, वो बचाना होता है. Impervious इसका opposite यहाँ पे जाएगा. Standing before a judge in a courtroom can be daunting. Daunting means होता है difficult to deal with, जिस चीज को handle करना मुश्किल होता है. So right answer would be बनेगा B, encouraging. Okay, question number 114. Question number 114 पे जाते हैं. तो बोला he has been facing a kind of intimidation. Intimidation basically होता है frightening, मतलब धमकी, threat, वो उसको डरा रहा था उसका दोस्त. ठीक है, फॉर द लास्ट 2 years. ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दैट वुड बी सपोर्ट. ओके, परस्यूशन नहीं बनेगा. परस्यूशन बेसिकली किसी को परस्यूड करना होता है, किसी को यकीन दिलाना होता है, विश्वास दिलाना होता है. कन्विक्शन नहीं आएगा. वाइल्स कनिंग होता है, चालाक होता है, तो इसका राइट आंसर बनेगा डी. क्वेश्चन नंबर 115, देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट कंस्ट्रेन. कंस्ट्रेन मीन्स रोकना होता है, तो सपोर्ट कर देना होगा, उसका डी हो जाएगा. क्लियर, 116, पीपल लुक फॉर प्लॉसिबल. प्लॉसिबल बेसिकली होता है ट्रू, true story, plausible story. Okay, people look for plausible remedies to the problems which they don't know. तो इसका right answer D तो नहीं हो सकता, क्योंकि हम यहाँ पे opposite दे रहे हैं. ठीक है, तो ये similar होता तो D हो सकता था. Okay, तो इसका right answer बनेगा B. Okay, question number 117, the departing speech of the chairperson ended with a plaintive note. Plaintive note होता है sad, sounding sad, जिसमें मतलब अगर यहाँ पे similar होता तो A answer होता, melancholic. सहमत नहीं होना. सो राइट आंसर वुड बी ए, ऑपोजिट यहाँ पे बन जाएगा. 119 बोला द इंसोलेंट नेचर ऑफ द स्पीकर हैड प्रोवोक्ड द मेंबर्स ऑफ द हाउस एंड दिस लेड टू पेंडेमोनियम. ओके, द इंसोलेंट, तो इंसोलेंट होता है बेसिकली लैक ऑफ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट की कमी होना. सो द राइट आंसर वुड बी ए,
ओके रिस्पेक्टफुल हो जाएगा और 120 वर्ड ये इकोनॉमिकल वर्ड है इंसिसेंट रेन्स मतलब कंटीन्यूअस रेन लगातार जो चीज होती है कंटीन्यूअस रेन्स हैव रिजल्टेड इन फेलियर ऑफ क्रॉप्स ड्यूरिंग दिस सीजन क्लियर सो द राइट आंसर परसिस्टेंट या सिमिलर बन रहा है सीजलेस और कंटीन्यूअस भी सेम बन रहे हैं तो राइट आंसर ए हो जाएगा स्पॉडिक वही होता है इंटरमीडिएटली होता है बेसिकली एट रेगुलर इंटरवल्स क्लियर सो आज के एग्जाम्स में 120 क्वेश्चंस में इंग्लिश का जो सेक्शन था उसको हमने स्टूडेंट्स डिस्कस किया सो आई होप आपने आंसर की मैच कर ली होगी ठीक है सो ओके बाय टेक केयर